नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एडियोग्राफ स्टडी पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे गुजरात में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेन पटेल, उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले नए मुख्यमंत्री के बारे में जानने से पहले अपन पुराने जो मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विजय रूपाणी जी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस्तीफा अपना गवर्नर आचार्य देवव्रत जी को सौंपा है। ये 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री बने थे आनंदीबेन पटेल की जगह। सबसे पहले पीएम मोदी हुआ करते थे यहाँ पे 2014 से पहले, फिर आनंदीबेन पटेल बनी, फिर विजय रूपाणी जी आए और अब भूपेन पटेल जी हैं। तो आनंदीबेन पटेल हालांकि अब गवर्नर बन गई है और विजय रूपाणी जी को आगे कौन सा पद मिलता है अपन देखते हैं। भूपेन पटेल पे अभी मेन फोकस रहेगा हमारा। तो बीजेपी एक ट्रेंड सेट किया है बीजेपी ने कि 3 महीने के अंदर चौथे मुख्यमंत्री, जहां आने वाले अगले 2 सालों में चुनाव होना है वहां इन्होंने किया। सबसे पहले पत्ता कट हुआ था बीएस येदुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी जगह बनाए गए तीरथ सिंह जी। और तीरथ सिंह जी के बयानबाजी कुछ अधिक ही कर दी तो उनकी जगह आए फिर पुष्कर सिंह नामी। और अपन देख सकते हैं असम, असम में भी सर्वानंद सोनेवाल की जगह हेमंत बिस्वा को ये दिया गया है पद मुख्यमंत्री का। तो ये था बीजेपी का ट्रेंड। अब गुजरात में भी यह फॉलो किया गया है और भूपेन पटेल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भूपेन पटेल से पहले 3 नामों में चर्चा थी, जो गुजरात के अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला, ये दोनों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, भूपेन पटेल अब 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो विजय रूपाणी कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। आनंदीबेन पटेल 15वें और नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के, और सीएम भूपेन पटेल 17वें। जानते हैं आगे कौन है भूपेन पटेल, हालांकि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पूरा नाम भूपेन रजनीकांत पटेल है, पाटीदार समुदाय से ये आते हैं। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं, पाटीदार समुदाय को साधने के लिए, क्योंकि बहुत आक्रोश था पाटीदारों में गुजरात में कि हमारे इस इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी हमारी समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। तो भूपेन पटेल ने यह उनकी मांग को पूरा किया है। भूपेन पटेल घाट लोडिया विधानसभा से विधायक हैं और इससे पहले वह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन वह रहे हैं। घाट लोडिया से 2017 में विधायक बने और अभी चल रहा है 2021। इन 4 सालों में वह विधायक से मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। और लास्ट पॉइंट, इन्होंने पढ़ाई में सिविल इंजीनियरिंग की है। तो ये थी भूपेन पटेल की कवरेज आपने देखी। इसमें से मैं आपको आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और इससे पहले विजय रूपाणी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब भूपेन पटेल जी को यहाँ की कमान सौंपी गई है। भूपेन पटेल जी 17वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इनकी विधानसभा भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कभी, घाट लोडिया विधानसभा से 2017 में ये विधायक बने थे। तो ये इतनी चीजें थी भूपेन पटेल जी से जाननी जरूरी, जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।